यदि छाती के बाईं ओर दर्द उठता है या सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है और पसीना आता है तो हो सकता है आपको हृदय संबंधी रोग हो गया हो। आइए जानते हैं कि हृदय संबंधी समस्याओं का घरेलू नुस्खों से कैसे निवारण करें। हम यहाँ दिल संबंधी मुख्यतः 5 बीमारियों के बारे में बात करेंगे। दिल में दर्द होना, धड़कन का तेज होना, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर और हृदय की दुर्बलता। पहला, दिल का दर्द। दूध में लहसुन की एक कली पकाकर पिएं। कुछ दिनों तक ऐसे दूध का सेवन करने से ऐसी शिकायतें दूर हो जाएंगी। सुबह शाम लौकी का सूप पिएं या उसकी सब्जी खाएं तो एक महीने में हार्ट संबंधी समस्या या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या में लाभ होने लगता है। हृदय में दर्द महसूस हो या दौरे का खतरा लगे तो 2 छोटे चम्मच शुद्ध देसी घी में 2 ग्राम बेल का रस मिलाकर पीने से तुरंत राहत मिलती है। 10 मिलीलीटर अदरक के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर चाटें। दिल के दर्द में राहत मिलती है। 10 मिलीलीटर अनार के रस में 10 ग्राम मिश्री डालकर रोजाना सुबह सेवन करें। दिल की जकड़न दर्द में राहत मिलेगी। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर रोज सुबह खाली पेट पीने से भी हृदय की जकड़न कम होती है। दूसरा, धड़कन तेज होना। अनार के ताजे पत्तों को पानी में पीस लें। इसे छानकर पीने से हृदय मजबूत बनता है और हृदय की धड़कन सामान्य हो जाती है। रोज 1 गिलास मक्खन रहित छाछ पीने से ब्लड वेसल्स में जमा हुआ फैट कम हो जाता है। ये हार्ट पेशेंट के लिए लाभदायक है। इससे तेज धड़कन और घबराहट की समस्या भी दूर हो जाती है। आलू बुखारा और मीठा अनार तेज धड़कन की समस्या में राहत पहुंचाते हैं। 200 मिलीलीटर ताजे गाजर के रस में 100 मिलीलीटर पालक का रस मिलाकर रोज सुबह पीने से हृदय की सब तरह की तकलीफें दूर हो जाती हैं। तीसरा, हाई ब्लड प्रेशर। 2 छोटे चम्मच शहद में 1 छोटा चम्मच नींबू का रस मिलाकर पीने से ब्लड प्रेशर कम होता है। आंवले का रस नियमित रूप से पिएं। यदि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज 2-3 दिन तक पूर्ण उपवास करें और सिर्फ संतरे का रस पिएं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। सुबह शाम खाली पेट 2-3 पपीता के पीस खाने से भी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखा जा सकता है। यदि सौंफ, जीरा और मिश्री को बराबर मात्रा में मिलाकर पीसकर उसका चूर्ण बनाकर उसका सेवन सुबह शाम किया जाए तो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। 5 ग्राम त्रिफला चूर्ण का सेवन रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ नियमित करें। चौथा, लो ब्लड प्रेशर। 10 से 15 छोटी किशमिश के दानों को सिरेमिक बर्तन में रात भर भिगोकर रखें और सुबह उठकर खाली पेट उसका सेवन करें तो इससे लो ब्लड प्रेशर की शिकायत दूर हो जाती है। 7 बादाम पानी में भिगो दें। सुबह उन्हें छीलकर पीस लें। 1 गिलास दूध में मिलाकर उबाल लें और गुनगुना करके पिएं। 10 से 15 तुलसी के पत्तों को क्रश करके उसमें 4 चम्मच शहद मिलाकर खाने से निम्न रक्तचाप नियंत्रित होता है। 5वां, हृदय दुर्बलता। गिलोय एवं काली मिर्च का संभाव चूर्ण 3 ग्राम दिन में 2 बार जल के साथ सेवन करने से हृदय की दुर्बलता दूर हो जाती है। आंवला एवं मिश्री का बराबर मात्रा में बनाया गया चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से हृदय संबंधी समस्त रोग दूर हो जाते हैं। गुड़ एवं घी खाने से भी हृदय की शक्ति बढ़ती है। 10 ग्राम अर्जुन की छाल का चूर्ण, 10 ग्राम गुड़ तथा 500 मिलीलीटर दूध को एक साथ मिलाकर पकाएं और फिर इसमें गुड़ मिलाकर पीने से हृदय की कमजोरी दूर हो जाती है। प्रतिदिन 1 चम्मच शुद्ध शहद का सेवन करने से हृदय सबल एवं सशक्त हो जाता है। अदरक का चूर्ण शहद के साथ मिलाकर चाटने से भी हृदय की दुर्बलता दूर हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।